अरे हमारा तीनों भाइयों का गेट जैसा है ना, इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगी और इसी की वजह से मेरा गला पूड़ी भी नहीं करने दी, पकवान भी नहीं बन। हेलो, राम राम जी, नमस्ते, और सब कैसे हो जी? आशा करते सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका सोनी धर्मेंद्र ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। अभी सोनी का नाश्ता चल रहा है, तो बस अभी नाश्ता कर रहे हैं और अम्मा बाबा के लिए सबके लिए भेज दिया है, भेजा राम राम जी सभी को, अम्मा बाबा के लिए भेज दिया, आप लोग खाली अम्मा बाबा के लिए भेज दिया। और ललित आज आ जाएगा काम करने के लिए गंगा जी से वापस, नहीं वापस तो आ गया लेकिन वो अपने गांव चला गया, नहीं सोनी के माई के थरा उधर ही चला गया। अब उधर से देखते हैं, बोल रहा था 10-11 बजे तक आएगा, जब उसके बाद में फिर हम काम करेंगे अपना। अभी ललित आ गया है और आते ही अपने काम में लग गया। सबसे पहले ये देहरी का काम है, इसको फाइनल कर रहा है, बोल रहा है मैं पहले देहरी डाल देता हूँ, उसके बाद में जो टुच्ची मुच्ची जो कहीं पर भी टाइल्स वगैरह का काम है उसको बाद में करेंगे। और बोल रहा है नींद भी आ रही है, तो देखते हैं जब तक नींद जिलेगी जब तक करेगा, उसके बाद में मैंने बोला है मैंने कि सो जा रहा। और मैं भी अपने काम में लग चुका हूँ, यानी मैंने घर में लाइट फिटिंग कर देता हूँ बड़ी बड़ी, यानी ऐसे ही जम्फर वाली लटकनी, तो अभी तार वगैरह डालेंगे उसमें, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैंने कमरे में तो पहले से थी एक में और दूसरे में भी, लेकिन अभी बाथरूम में भी एक बल्ब लगाना है, तो एक बाथरूम में बल्ब डाल दिया है मैंने, और एक जीना वाली गैलरी के लिए भी एक बल्ब लेके जाना है, तो उसके लिए यहाँ पे बोर्ड लगा दिया, जैसे यहाँ से वो वाली लाइट को बंद चालू हम कर सकें। और बाथरूम के लिए देख सकते हो ये एक बल्ब दे दिया है हमने, और यहाँ से जो दूसरा बल्ब देंगे हम वो देंगे सीधा वो चौखट पर डाल देंगे, जो गेट है मेन गेट उधर एक बल्ब दे देंगे, जिससे उधर काम भी करते रहेंगे और रात को भी उजाला बना रहेगा। तो आज कितने सारे काम है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों आज मेरी तबीयत डाउन सी भी लग रही है, तो आज ऐसा ही है, जितना रिकॉर्ड होगा मैं करूँगा, बाकी का अपना काम करना है मेरे को, फाइनल करना है आज घर का काम। तो यहाँ पे जो ललित अभी देहरी लगाने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये देहरी लगा दी है, यानी चार देहरी का जो काम था वो कम्प्लीट कर दिया है। एक तो ये, तो ये हमने यहाँ पे ग्रेनाइट लिया था देहरी के लिए, और ये बाथरूम वाला देहरी भी लग गया। और चलते हैं मेन गेट की तरफ, तो ये भी देहरी यहाँ पे लगा दिया है। और कैसी लग रही है बताना आप कमेंट में। अभी इनको साफ़ सफाई नहीं किया है, साफ़ सफाई करेंगे, अभी ये थोड़ा सा मसाला टाइट हो जाएगा उसके बाद में। तो बाकी का जो साइडों से थोड़ा बहुत कटिंग है बस उसको अभी पूरा कर रहा है ललित, और बाकी के जो काम है उनको भी। वैसे नींद आ रही है, अब मेरे को लग रहा है सोने वाला है बस अभी ये थोड़ी देर में, मैंने बोल दिया बस खाना अभी बन रहा है खाते ही, उसके बाद में आराम कर लेना। और ये दूसरी तरफ का देहरी है, गेट है, यानी आपको बताऊं इधर है हमारा तीनों भाइयों का गेट, जैसे उधर राय कुमार श्री गोपाल और इधर ये हमारा छोटा वाला गेट। तो इसकी देहरी का काम रह गया है थोड़ा सा, बस इसको आज नहीं तो कल फाइनल करवा देंगे। और आज ललित को बहुत गहरी नींद आ गई 4-5 घंटे काम करने के बाद, फिर वो बोला के पप्पा जी अब मेरे में काम नहीं हो रहा है मेरे की, तो सो जा आराम से। मैं तो कई बहुत देर से बोल रहा था अब आराम से सोने दो इसको, भले ही रात के कितने भी बजे जगह, जब भी खाना मतलब दोपहर का खाना पीना खाने के बाद में फिर सो गया है। अभी ललित सो गया था तो फिर वो मसाला वगैरह बचा था एक तसला, फिर मैंने यहाँ से वहाँ तक टाइल्स लगा दी, जो मसाला था सब इसमें चला गया, यानी कि अब आराम से सोता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये योगेश इसको साफ कर रहा है। अभी जो पंखा लगाया ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगी और इसी की वजह से मेरा गला भी कट सा रहा है। जब इसको मैंने लगाया तो इस छत में ना हथौड़ा मार मार के वो पूरा बंद हो गया था प्लास्टर के बाद में, तो उसको झराया, झराने के बाद में जो इसमें से जो डस्ट निकला, धूल निकली ना, पता नहीं उसकी वजह से पहले एक बार जब घर तोड़ा था उस समय हो गया था गले में दर्द सा, बस ऐसा ही आज हो रहा है। पंखा तो लग गया लेकिन प्रॉब्लम सी लग रही है, और आलस तो है ही आज, तो इतना काम कर दिया ये पूरा पंखा उधर से यहाँ तक लगा दिया, वो कमरे में लगा था वहाँ से निकाल के लाए थे फिर इसमें लगाया। अभी हमारे पास दो पंखे तो हो गए चालू, एक इधर और एक इधर, ये पापा जी सोएंगे इसमें और इसमें हम सोएंगे, और बच्चों को थोड़ा इधर रखेंगे। अभी जो नीचे वाला पंखा है उसको काम में लेंगे, तो यहाँ पर सोया करेंगे अम्मा और बच्चे। और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि धूल का काम बहुत ज़्यादा था आज, बहुत ही ज़्यादा धूल का काम था, इसलिए मैंने धूल से मोबाइल को थोड़ा दूर रखा, क्योंकि यही मोबाइल से हम सब कुछ काम करते हैं, अगर इसी में धूल चली जाए
क्योंकि जो बारीक वाली धूल होती है ना, वो कैसा भी पैकिंग मोबाइल हो, कैसा भी वाटर प्रूफ हो, उसके अंदर चली ही जाती है। मेरे पास और पहले भी मोबाइल थे, उसके अंदर भी एक बार ऐसे ही धूल के कण हल्के हल्के महसूस होते थे, चले गए थे। तो इसलिए मैं थोड़ा दूर रखा और प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं की कर पाया था उस समय। और जो हमारे गेहूं वगैरह भरे हुए रखे थे कोठी में उस तरफ कमरे की तरफ, वो सबको लेकर आए हम, सब इधर हमने रखी है घर में लाकर, तो वो भी ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा है अभी। तो अभी उनको पहले धोएंगे, मम्मी बोल रही थी उनको धोएंगे सुखाएंगे, उसके बाद में रख देंगे साफ करके। और दोस्तों आप सभी के एक ज़्यादा कमेंट आ रहा है, जब से मैं राजकुमार को छोड़ के आया था ना, काम पे गया था राजकुमार, मैं मानसू और मैं गए थे बस स्टैंड पे छोड़ने के लिए, जब से एक कमेंट ज़्यादातर आ रहा है कि आपका भाई राजकुमार काम क्या करता है, कौन सा काम करता है। तो मैं बताऊं, जो राम मंदिर बना है, मैंने वैसे भी बताया था राम मंदिर बना है, मथुरा वृंदावन में मंदिर बने हुए हैं, जिन मंदिरों में जो नक्काशी डिजाइनिंग है ना, तो बस वही डिजाइनिंग निकालते हैं नक्काशी वगैरह पत्थर में, वो डिजाइन का ही काम करते हैं। अभी फ़िलहाल पार्किंग एरिया का काम चल रहा है, तो वो पार्किंग एरिया में डिजाइनिंग का जो काम है कुर्सी वगैरह, बस वो बना रहे हैं। मैंने एक कमेंट पढ़ा था दोस्तों कल वाली वीडियो में, उसमें कमेंट आया था, जैसी लोगों की सोच वैसे कमेंट करते हैं, तो उसमें आया था कि फूफा जी अभी सोनी के भाई भतीजे घर में काम कर रहे हैं ना, तो बोल रहे कमेंट में कि सालों के लिए भतीजे के लिए मटर पनीर है, शाही पनीर, पोहा, चाय, और फूफा जी के लिए बिना चिपड़ी रोटी खिलाई। ऐसा नहीं है, देखो आप कितना गलत सोचा है। फूफा जी हमारे यहाँ पे क्या है ना, जैसी जिस टाइम पे व्यवस्था होती है बस वैसा ही परोसते हैं, ये नहीं कि हम पे है नहीं तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, अगर उस समय है तो वो हाजिर है। और हमारे रही फूफा जी की बात, तो उसमें क्या था ना, फूफा जी को उस समय खांसी जुकाम था, तो उन्होंने खुद मना कर दिया था कि नहीं रोटी नहीं चिपड़ना। मैंने तो ऐसे ही वीडियो में बोला था कि घी ख़त्म हो गया होगा या क्यों नहीं चिपड़ा, चिपड़ने के लिए भूल गए, ऐसा मैंने बोल दिया। और आप तो हर बात को दिल पे ले लेते हो। पूड़ी भी नहीं करने दी, पकवान भी नहीं बनाने दिए, बोल रहे थे नहीं मेरी तबीयत ऐसी है, वो मतलब वो शादी ब्याह में घूम घूम के आए थे ना, चिकना खा खा के इसलिए परेशान हो गए, चिकना खा खा के। आप भी जब दो चार दिन लगातार चिकना खाओगे तो किसका मन करेगा, आलू की सब्जी, दाल, अंगा, ऐसी चीज़ों का मन करता है खाने का, तो बस वही है। जैसे हम शादियों में गए थे तो हमारा मन कर रहा था, घर आते ही हमने क्या किया, रोटी और लाल मिर्च की चटनी, बस वही सब खाया था, है मानसू। और एक कमेंट और आ रहा है, एक ही आया वो तो सिर्फ एक बार, और इसके लिए मैंने कि और भी लोग सोचेंगे तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हिमांशु है, अब देखो ये मेरे पास बैठा रहता है, इसको जैसे ही टाइम मिलेगा हिमांशु भाग के आता है ताऊ के पास। और बोल रहे थे कमेंट में, क्या बोल रहे थे पता है, कि हिमांशु को प्यार करते हैं ताऊ, राजमानव को प्यार नहीं करते हैं, ऐसा बोल रहे थे। राजमानव के लिए भी हम जान छिड़कते हैं, हिमांशु के लिए भी छिड़कते हैं, दोनों को उतना ही प्यार करते हैं, मतलब फ़र्क इतना है। वो अभी स्कूल चले जाते हैं 7 बजे, तो वो इतना नहीं आ पाते, शाम 2-3 बजे स्कूल से आते हैं, तो आते ही अपना होमवर्क वगैरह वो कामों में लग जाते हैं। फिर वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो हाँ थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो इतनी बात नहीं करते हैं। हिमांशु ये कि छोटा है, सबका लाडला है, और पास में घूमता रहता है, पास में ही आ जाता है, बैठ जाता है, जैसे कि अभी बैठा हुआ है, बस यही है। सोचने सोचने का फर्क है, जिसकी जैसी सोच वैसी सोच करेंगे, वैसा ही कमेंट करेंगे। हमारे यहाँ दो राय नहीं बोलते, उसको प्यार नहीं करते, उसको प्यार नहीं करते, श्री गोपाल को प्यार नहीं करते, राजकुमार को। अरे बात वो है, हर इंसान का स्वभाव अलग होता है। श्री गोपाल वीडियो में इतना पसंद नहीं करता, वो वीडियो भी बनाएंगे तो वो बोलता ही नहीं है, इसलिए अब वो बोलेगा नहीं तो मैं उसके चेहरे पर जाके मोबाइल को रख दूंगा, आपको क्या लगेगा, आप देखते रहोगे उस वीडियो को, आप बताओ कमेंट में, आप बताना आप देखते रहोगे कि नहीं देखते रहोगे। मैं तो बना दिया करूँगा, ऐसे बैठा है श्री गोपाल ऐसे करके, ऐसे बैठा रहूँगा। फिर वही है, जिसका जैसा स्वभाव है उसी हिसाब से इंसान रहता है। मेरा बचपन से यही स्वभाव है, मैं बस बोलता रहता हूँ ज़्यादा। और हाँ, राजकुमार है, वो भी उल्टा सीधा जो भी मन में आएगा बोल देगा, ये नहीं सोचता कि आगे पीछे क्या, ऐसे ही मेरी आदत थी, उल्टा सीधा मैं ही बोल देता। लेकिन आप सभी के कमेंट पढ़ पढ़ के अभी मैं सीख रहा हूँ, आप सबने मेरे को सिखा दिया, जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, सही बात है। बस ऐसे ही आपका प्यार सपोर्ट हमको चाहिए। हमारी वीडियो नहीं बन पाई,
लेकिन फिर मैंने ये जो बात है थी मैंने कि इनको ही क्लियर कर ले रहा हूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, कल की वीडियो लाने की टाइम से कोशिश करूँगा। और यह वीडियो मैंने डाली इस वजह से क्योंकि आप सभी के जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, भैया जी हम आपके वीडियो का इंतजार करते हैं, आपकी वीडियो नहीं आती तो मन नहीं लगता, बस वही प्यार के लिए। अभी भी मेरा गला दर्द कर रहा है लेकिन वही प्यार के लिए मैंने ये वीडियो कंप्लीट की और आपके लिए पहुंचाई। और आप सभी को ये वीडियो लगी कैसी कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके जो भी कोई और भी कोई सवाल होंगे, हाँ दूसरी बात और ये जो कमेंट हैं अभी आ रहे हैं उनको आप पढ़ रहे हैं लेकिन कम पढ़वा रहे हैं, लेकिन पढ़ूंगा मैं सबको। कैसे कि अभी शादियाँ आ गई, अभी हम 2-4 दिन के बाद शादियों में जाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम फ्री रहेंगे दिन भर। तो बस दिन भर में आपके जितने भी कमेंट इकट्ठा हुए ना सबको पढ़ूंगा मस्ती से आराम से, क्योंकि शादी विवाह में तो बस थोड़ी देर के लिए गए आए, आराम से एक जगह पे बैठे आपके कमेंट पढ़ता रहूँगा। यहाँ पे नेट की भी प्रॉब्लम है, नीचे चले जाते तो नेट नहीं चलती है तो उसकी वजह से और कमेंट नहीं पढ़ पा रहे। हम छत पे आता हूँ जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ, अब कहीं पे जाएंगे तो वहाँ पे तो बढ़िया, ससुराल में तो हमारे यहाँ बढ़िया नेट चलती है। ये मत बोलना कि ससुराल के नाम से आप बोल रहे हो नेट चलती है, वहाँ पर चलती है इसलिए बोल रहा हूँ। गाँव है, गाँव में तो हर गाँव में चलती है, हमारा गाँव है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर, वहाँ भी बढ़िया नेट चलती है। लेकिन ऐसी जगह पे आप रहोगे ना, यहाँ पे शहर भी है गांव भी है उसके बीच में पड़ गए, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है नेट की। तो आप सभी को आज का हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो, जब तक के लिए राम राम, दो सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।